अपने यूट्यूब चैनल, इसका नाम है केमिस्ट्री सॉल्व। और अब तक हमने देखा था बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, ठीक है। तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव में एक पॉइंट था, जैसे कि ये एरोमेटिसिटी है। तो ये एरोमेटिसिटी बहुत एक वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपको बीएससी में पूछा जाएगा, एमएससी में पूछा जाएगा, उसके बाद में जेईई के एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बाद में एमएससी के बाद में सीएसआर नेट में पूछा जाता है, और उसके बाद में ये यूपीएससी और यूपीएससी जियोकेमिस्ट और किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक पूछा ही जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहली बात तो ये, ठीक है, कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया है। तो ये टॉपिक मैं मतलब छोटे से तो ले सकता था, पर मैंने इसको एकदम मतलब इस पर थोड़ा फोकस किया है, क्योंकि ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये हम जरा डीपली डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे और डीपली देखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये फिलहाल तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये चैप्टर का, ये चैप्टर में हम देखने क्या वाले हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि ये चैप्टर में। तो मैं आपको आज यही बताऊंगा कि इसमें बीएससी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एमएससी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सीएसआर नेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन में हम देखेंगे जब ये खत्म होगा तब। तो साइड बाय साइड आपको लगे तो ये वीडियो मिलते रहेंगे, एक एरोमेटिसिटी का मिलता रहेगा और दूसरा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना सिलेबस का बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव का, उसका आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज हम ये शुरू करने वाले हैं एरोमेटिसिटी। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एरोमेटिसिटी मतलब क्या, ये जो वर्ड है ये वर्ड बना है एरोमा से, एरोमा से, ठीक है। एरोमा, एरोमा मतलब क्या, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो ये जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो एक स्मेल देते हैं, एकदम अच्छी स्मेल, ठीक है। तो उन कंपाउंड्स को कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसको केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने के लिए कुछ रूल बनाए हैं, ठीक है। तो उसमें एक हकेल रूल आता है, ठीक है, हकेल रूल, आई डोंट नो व्हाट इज इट्स प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो हकेल रूल, ये नाम का एक रूल है, ये रूल से हम डिसाइड करते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो हम देखने ही वाले हैं, ठीक है। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, तो आज हम ये देखने वाले हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है। तो एरोमा मतलब फ्रेग्रेंस होता है, फ्रेग्रेंस देने वाले जो भी कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। एक स्मेल से पता चल जाता है कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। तो इसलिए हम ये आज कंपाउंड मतलब ये एरोमेटिसिटी में आज हम देखने वाले कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहला, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता जाऊंगा कि ये टॉपिक में क्या पढ़ने वाले, ये टॉपिक कब तक आपको आएगा, बीएससी के लिए क्या पढ़ना है, बी फार्मेसी के लिए क्या पढ़ना है, ठीक है, एमएससी के लिए क्या पढ़ना है, और अगर आप सीएसआर नेट और गेट के एस्पिरेंट हो तो आपको तो पूरा ही पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें किधर भी कुछ भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले कि इस चैप्टर में हम देखने क्या क्या वाले, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर डिवाइड होता है तीन, इसमें, ठीक है, इसमें तीन टॉपिक मेन होते हैं। पहला होता है मतलब मैं यहां से डिवाइड करना शुरू कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब यहां पे हमको मतलब तीन टॉपिक ऐसे मिलेंगे, पहला होगा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, दूसरा होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, तीसरा होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जो हकेल रूल फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, जो हकेल रूल फॉलो करते हैं मतलब एंटी एरोमेटिसिटी वाला उसको एंटी एरोमेटिक कहते हैं, और जो हकेल रूल फॉलो नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये वाला पार्ट ये फर्दर डिवाइड हो गया है, ठीक है, ये फर्दर डिवाइडेड है। यह कौन से कैटेगरी में होता है, तो एक क्वाजी एरोमेटिक नाम का है, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाला होता है हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है,
और उसके बाद में तीसरा वाला जो होता है वो होता है होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना हमको देखना है। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्वाजी एरोमेटिक मतलब क्या, हेटरो एरोमेटिक मतलब क्या और होमो एरोमेटिक मतलब क्या। ठीक है, तो जब कभी आपके सिस्टम में कोई चार्ज है पॉजिटिव हो ठीक है या फिर निगेटिव हो, ये अगर तुम्हारे सिस्टम का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम। ठीक है, कौन सी सिस्टम? एरोमेटिक सिस्टम की। अगर ये पार्ट है पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस, ठीक है चार्जेस, तो आपका अगर एरोमेटिक सिस्टम है और उसमें पॉजिटिव और निगेटिव ये चार्जेस अगर उस सिस्टम के पार्ट है तो वो कहा जाएगा क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, मतलब आप एग्जांपल के लिए अगर देखो तो ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, इसको हम साइक्लोप्रोपेनाइल कटायन ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे सिस्टम का एक पार्ट है, तो ये हकेल रूल में कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है ये हम पूरे रूल बाय रूल देखने वाले हैं जो हकेल रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, हकेल रूल फॉलो करने वाले, फॉलोज हकेल रूल। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉलोज हकेल रूल। ठीक है, तो जो कंपाउंड हकेल रूल फॉलो करते हैं उनको हम एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक में तीन टाइप्स है, पहला तो क्वाजी एरोमेटिक, दूसरा हेटेरो एरोमेटिक और तीसरा होमो एरोमेटिक। तो हकेल रूल क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी तो हमने सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी देखा कि क्वाजी एरोमेटिक होता क्या है। क्वाजी एरोमेटिक मतलब चार्ज कंपाउंड। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ये हकेल रूल सिस्टम के पार्ट होने चाहिए, उनको बोलते हैं हम क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या है, कोई भी हेटेरो एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये तुम्हारे सिस्टम के पार्ट हो, दे आर पार्ट ऑफ योर एरोमेटिक सिस्टम। जैसे कि अब ये लिया मैंने पायरोल, ठीक है, ये सिस्टम में नाइट्रोजन जो है ये पार्ट है तुम्हारे सिस्टम का। ठीक है, तो जब कभी हेटेरो एटम तुम्हारे सिस्टम का पार्ट होता है तब हम उसको कहते हैं हेटेरो एरोमेटिक। जैसे कि फ्यूरॉन, ये सब हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, थायोफीन, ये एक है थायोफीन। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बहुत सारे हेट्रो कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्वाजी एरोमेटिक हो गया, हेटेरो एरोमेटिक सिस्टम हो गया, तो होमो एरोमेटिक क्या होता है? तो होमो एरोमेटिक मतलब क्या कि इस एरोमेटिक सिस्टम में एक sp3 कार्बन होगा। अब यहाँ पे एक रूल है जो कि हकेल रूल है। हकेल रूल कहता है कि हमारे सिस्टम में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन चाहिए। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए नहीं, अगर नहीं पता होगा तो आप मेरे लास्ट लेक्चर में जाकर देख लो। तो क्यों चाहिए ये अब इस लेक्चर में हमको पता चलेगा। ठीक है, कि sp2 हाइब्रिडाइज होने से क्या होता है, क्योंकि वहां पे मैंने प्लेनरिटी डिस्कस की थी। तो यहाँ पे sp2 यानी प्लेनर और sp3 यानी प्लेनर नहीं है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए हकेल रूल के अकॉर्डिंग। तो होमो एरोमेटिक सिस्टम मतलब क्या कि एरोमेटिक सिस्टम है, सब sp2 है, पर उसमें एक कार्बन जो है, वन कार्बन इज विद हाइब्रिडाइजेशन sp3, वन कार्बन हैज हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो जब कभी ऐसा सिस्टम दिखाई देगा तो उसको मतलब एरोमेटिक सिस्टम, इट इज एरोमेटिक सिस्टम विच हैज वन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन is called as homo aromatic system or homo aromatic compound। ठीक है, तो मतलब क्या aromaticity कितनी, aromaticity मतलब किसकी देखने वाले हैं हम, organic compound की। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ organic compound OC। ठीक है, organic compound hydrocarbons। ठीक है, तो hydrocarbons में aromaticity अगर देखनी है तो कितने parts में divide है, पहले तो aromatic, उसके बाद में anti aromatic, उसके बाद में non aromatic, ये हो गया पहला part। अब एरोमेटिक सिस्टम जो है वो फर्दर तीन क्लास में डिवाइडेड है, एक क्वाजी एरोमेटिक, दूसरा हेटेरो एरोमेटिक, तीसरा होमो एरोमेटिक। ठीक है, तो क्वाजी एरोमेटिक मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस वाली जिसमें हकेल रूल ओबे होता हो, हेटेरो एरोमेटिक मतलब हेटेरो एटम हो जिसमें हकेल रूल ओबे होता हो,
और होमो एरोमेटिक मतलब कि उसमें एक sp3 कार्बन होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 कार्बन sp3 होगा, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा वह होमो एरोमेटिक सिस्टम होती है। ठीक है, तो ये हो गए अपने बेसिक ये चैप्टर का ये। तो अब ये इतना जो है ये आपको सब BSc के लिए आएगा। एग्जाम कौन सी कवर होती है इसमें, IIT JEE, JEE, BSc और BPharm, ये इतने एग्जाम्स कवर होंगे इसमें। ठीक है, और MSc का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब आगे तो हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या है, तो आगे क्या है और इसके। ठीक है, तो आगे में हम फर्दर इसको, अब मैं ये रब कर रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हो, आपने स्क्रीनशॉट निकाला ही होगा। तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो अब ये हो गया हमारे स्टार्टिंग का ये पॉइंट कि हम ये पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब एरोमेटिक चैप्टर में ये इतना डिस्कस करने ही वाले है। ठीक है, तो अब आगे हम क्या और डिस्कस करेंगे, आगे हम क्या देखेंगे, और अब हम आगे देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है MSc के लिए, फिर कौन से कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, हकेल रूल फॉलो करने वाले, हकेल रूल फॉलोवर्स, HRF जो होते हैं वो एरोमेटिक, HRF इन द सेंस एंटी एरोमेटिसिटी, HRFA वो होते हैं एंटी एरोमेटिक, और ये होते हैं डू नॉट फॉलो हकेल रूल, हकेल रूल नहीं फॉलो करते, HRDN ये। ठीक है, ये फॉलो नहीं करते। तो अब स्टेबिलिटी कि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल है, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो स्टेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, तो ये भी हम देखेंगे इसमें क्यों ऐसे स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में, तो एरोमेटिक जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है इनकी। ठीक है, तो ऐसे क्यों है ये भी देखने वाले। उसके बाद में हमारा पॉइंट है एसिडिटी, इसमें कौन एसिडिक है कौन एसिडिक नहीं है, एसिडिटी बेसिसिटी, ये पॉइंट यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, ये इतना तो हमको देखना ही देखना है, और ये सब कुछ जो है ये MSc में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हम इतना देखने वाले हैं, अब इतना तो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये मतलब ये और ये पार्ट में स्टेबिलिटी और एसिडिटी में UPSC जियोकेमिस्ट के लिए, UPSC जियोकेमिस्ट ये एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, UPSC जियोकेमिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया था, ये यूपीएससी जियो केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया है स्टेबिलिटी और एसिडिटी में कि साइक्लोपेंटाडाइन एक्ट एज वीक एसिड, व्हाई, कमेंट ऑन इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी जियो केमिस्ट में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन के लिए मतलब तुमको ये पार्ट पढ़ना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी क्या होती है और उसकी एसिडिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये जियो केमिस्ट में पूछा गया है कि ये वीक एसिड क्यों एक्ट होता है और इसकी स्टेबिलिटी क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है ये। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आ गया है जियो केमिस्ट में, तो इसलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में हम इसमें क्या देखने वाले हैं, तो इसके बाद में हम इसमें देखने वाले हैं एनुलिन्स, एक पार्ट होता है
ठीक है, क्या नाम है उसका, एनुलिन्स, ठीक है, एनुलिन देखने वाले हैं। और उसके बाद में बायसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें और क्या देखने वाले हैं हम, एनुलिन, बायसाइक्लिक कंपाउंड, फलवालिन्स, फुलविन्स, क्या देखने वाले, एनुलिन, आई थिंक डबल एन है यहाँ पे, ठीक है, एनुलिन, ठीक है। तो एनुलिन क्या होते हैं, मतलब ये जो है ये 10 कार्बन से अगर बड़े हो जाए अपनी एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है, तब उसको कहते हैं एनुलिन, ठीक है, जब 10 कार्बन से बड़ी हो जाए, ठीक है, तब उसको। और यहाँ पे ये जो भी होता है ये मोनोसाइक्लिक में है, मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही साइकिल में, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे कि ये है, अब ये कैसा है, एक ही साइकिल चल रहा है इसका, जो है एक ही साइकिल चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं ये ऐसे लगा लेता था तो ये दो साइकिल हो जाते थे, ठीक है, ये ब्रिज हेड हो जाता था। तो एक ही साइकिल में चलने वाले ऐसे कंपाउंड, और अगर वहां पे कार्बन का नंबर जो है वो 10 से ज्यादा हो, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं 10 एनुलिन। तो फिर उसके बाद में 12 एनुलिन, उसके बाद में 14 एनुलिन, यहाँ पे कार्बन कितने होंगे, 10, 12, 14 ऐसे, ठीक है। तो ये एनुलिन देखने वाले हैं हम कि भाई एनुलिन में कैसे, कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं फलवालिन्स, क्या देखने वाले, फलवालिन्स, फलवालिन्स, ये जो है ये ऐसा क्लास है, नॉन बेंजोनाइड सिस्टम होती है, नॉन बेंजोनाइड, यहाँ पे नॉन बेंजोनाइड सिस्टम होती है, मतलब ऐसे जुड़े हुए होंगे, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए होंगे, ठीक है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी हमको देखनी है, ठीक है। इसके बाद में फलविन्स, फलविन्स ये एक पार्ट देखने वाले, ठीक है। फलविन्स क्या होते हैं, यहाँ पे मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड ही होते हैं, पर ये ऐसे चार्ज लेने के लिए ये होते, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स विच पोलराइज इटसेल्फ इन द वे टू गेट एरोमेटिसिटी, मतलब उनके खुद को वो ऐसा पोलराइज करते हैं कि उनको एरोमेटिसिटी मिल जाए। जैसे कि अब ये है, ये दो टाइप में पोलराइज हो सकता है ये बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दूं तो यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसा मिलेगा, एक सेकंड निकाल ही देता हूं, यहाँ पे अब मैंने ये ऐसे ये कर दिया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक ऐसा मिलेगा, एक निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो एरोमेटिसिटी मिलने के लिए जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये मिलता है, हम देखने वाले कैसे मिलेगा, तो ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाता है अगर ऐसा चार्ज हुआ तो ये खुद को ऐसे पोलराइज करता है कि खुद को एरोमेटिसिटी मिल जाए, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं फलविन्स, ठीक है। अब ये पार्ट जो है ये पूरा का पूरा हो गया हमारा इसमें का, ठीक है। और इसके बाद में और एक ये आएगा इसमें, उसको कहते हैं पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक मतलब पूरे के पूरे कंपाउंड जो आएंगे जहां पे बहुत सारी साइकिल होगी, पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक, ठीक है। यहाँ पे एक दो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड की साइकिल होंगी, उनको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, कि वहां पे दो तीन साइकिल से दो तीन रिंग के ऊपर अपने को रिंग देखने को मिलेगा। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिसिटी में हम क्या क्या देखने वाले। तो इसमें से वो एसिडिटी बेसिसिटी वाला जो पार्ट है वो भी एमएससी में काम का है, उसके बाद में ये सब एनुलिन वगैरह ये सब एमएससी में है, ये भी एमएससी के काम का है, और उसके बाद में सीएसआईआर नेट के काम का है, सीएसआईआर नेट, ठीक है। और उसके बाद में गेट, ये इतने पॉइंट्स हमारे काम के। अब सीएसआईआर नेट वाले इतने तो अच्छे है नहीं कि इतना इजी इजी दे देंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे ये सिस्टम के मतलब ये हो गया अपना नॉर्मली जैसे कि एमएससी के लिए चल जाएगा ऐसा, तो अब वो सीएसआर वाले तो ऐसे मानते नहीं, तो वो क्या करते हैं कि इसमें का कंसेप्ट किधर दूसरे इसमें घुसा देते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि एरोमेटिसिटी प्लस अब जहां पे वो घुसाते हैं वो कंसेप्ट, उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, एरोमेटिसिटी और स्पेक्ट्रोस्कोपी का रिलेशन क्या है ये भी देखने वाले,
ठीक है, एरोमेटिसिटी और स्पेक्ट्रोस्कोपी का रिलेशन क्या है ये भी देखने वाले। एरोमेटिसिटी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनका जो है वो रिलेशन हम देखने वाले हैं। तो भाई एरोमेटिक कंपाउंड में स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर डाल दिया जाए तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे आयर फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद में एनएमआर कंपाउंड्स की, कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड का जो एनएमआर है वो कैसा निकल रहा है, आयर कैसा निकल रहा है, इनमें कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या, डिफरेंस नजर आ रहा है क्या, इनकी वैल्यू चेंज हो रही है क्या, ये वैल्यू चेंज करती है क्या, और अगर एरोमेटिक खुद को बनाना है उसको तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम एरोमेटिसिटी और स्पेक्ट्रोस्कोपी ये दोनों का हम रिलेशन लगाएंगे, बाकी के पॉइंट हम देखेंगे, बाकी का सब कुछ देखेंगे। तो ये पॉइंट किसी बुक में आपको मिलेगा या नहीं ये पता नहीं है मुझे, पर ये पार्ट हम देखने वाले हैं कि भाई एरोमेटिसिटी और स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो आजकल एरोमेटिसिटी स्पेक्ट्रोस्कोपी में घुसा देते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी एरोमेटिसिटी में घुसा देते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है, और इसका कुछ कुछ पार्ट जो है वो पाविया के बुक में डिस्कस है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पाविया, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्या होता है ये उसने डिस्कस किया है। तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं ये पूरे चैप्टर में। तो बीएससी के लिए जो लगता है वो बीएससी वाले पढ़ो, ठीक है, एमएससी के लिए जो लगता है वो एमएससी वाले पढ़ो, बी फार्मेसी के लिए जो लगता है वो बी फार्मेसी वाले पढ़ो, ठीक है, और पूरा का पूरा सीएसआईआर नेट और गेट और यूपीएससी, कौन सा, जियोकेमिस्ट वाला, जियोकेमिस्ट, ये इतने एग्जाम वाले सबका सब पढ़ो, ठीक है, सबका सब पढ़े बिना ये नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जेईई के लिए भी है, ये जेईई एंड ट्वेल्थ सीबीएसई पैटर्न, ठीक है, इनके लिए भी ये इतना ही है, जितना ये पढ़ेंगे उतना आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो ऐसे करके हम वन बाय वन ये चैप्टर का रोज एक नया चैप्टर, मतलब रोज एक नया पॉइंट सीखेंगे, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी और स्पेक्ट्रोस्कोपी का रिलेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, एसिडिटी क्या होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें जो मैंने डिस्कस किया फलवालिंस फुलविंस ये सब डिस्कस करने वाले हैं, क्वाजी एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है, हेटेरो एरोमेटिक क्या है, होमो एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कमेंट में मुझे बताना कि ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है।